छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबर में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। ट्रक ने एक ही परिवार के चार लोगों को कुचला, पिता और बेटे की मौत, दो की हालत गंभीर। नाराज ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। दुर्ग में एक कैप्सूल वाहन ने बाइक से जा रहे एक ही परिवार के चार लोगों को कुचल दिया। हादसे में बाइक चालक सहित दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर पाटन अमलेश्वर रोड को जाम कर दिया। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी तरह पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के समझाने के कई घंटे बाद जाम खुला। अमलेश्वर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। अमलेश्वर गांव के निवासी राजेंद्र बारले 40 वर्ष और उनका मासूम बेटा प्रभात 4 साल की मौत हुई है, जबकि बेटी और पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के परिजनों को 10.5 लाख रुपए मुआवजे और बीमा की राशि मिलाकर देने की बात कही गई है। कैप्सूल वाहन चालक ने दोनों घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज और मृतक के बच्चियों की पूरी पढ़ाई कराने की बात कही है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमलीडीह निवासी एक परिवार बाइक से अमलेश्वर की तरफ जा रहा था। जैसे ही मोतीपुर चौक पहुंचा तो पीछे से आए तेज रफ्तार कैप्सूल ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। कैप्सूल चालक भागने की फिराक में था। बाइक गाड़ी के नीचे फंस जाने से वो भाग नहीं पाया। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा। इसके बाद गुस्साए लोगों ने चौक पर चक्का जाम कर दिया। कई घंटे तक हजारों लोगों की भीड़ सड़क को जाम करके बैठी रही। सूचना मिलते ही अमलेश्वर सहित पाटन और रानी तराई थाने का पुलिस बल पहुंचा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों समझाया।